तो अच्छा था कि तुम गुलरेज पे गोली चलाता, अपने चाचा के खून का बदला लेता। पर तुमने तो एक खून का बदला कितना लोगों से लिया। वो शंजे बेचारा बेगुनाह, तुम खुद, तुम भी तो मजलूम था। वो बच्चे जो इस दुनिया में आए नहीं, ये घर, ये दीवार, ये हवेली, ये तो पहले ही मजलूम था। तुमने इन पर भी जुल्म किया। दरख्ज़ाई ऐसा करता तो समझ में आता था, वो तो ना समझ, पर तुमने ऐसा किया। ये तुमने मर्दों वाला काम नहीं किया लाला, कैसा इंतकाम है? अगर कातिल से इतनी नफरत थी तो उसकी बेटी को सारी जिंदगी तड़पाते, मुश्किल में डालते। तुम तो खुद मुश्किल में पड़ गया। चलो, तुम मालिक, तुम्हारा मर्जी। पर अपने बाप दादा का नसर अपने हाथों से मत मिटाओ, मत आसमान पे उड़ते गोल को देखने का मजा भी तुम्हारे साथ ही है। बोले
दिन अपने भी तो होंगे छोटे छोटे से परिंदे। तमन्ना जिसकी मुझको वो जमाना और है, जो हकीकत की तरह है वो फसाना और है। हे मेरा वो जहां जो रहे मेहरबान, जो रहे मेहरबान, हे मेरा वो जहां मुझको हर पल जा। ये क्या बता रही हो तुम? मतलब ये कि वो इस लड़की की फेवर करता रहा ये अहमक, और मेरी समझ में नहीं आया। I don't get it. हाथी इस लड़की को इतनी aggressively pursue कर ही क्यों रहा है? दिमाग खराब हो गया उसका और क्या? बुलाओ जरा इसे, अभी मिजाज ठिकाने लगा देता हूँ। समझने क्या लगा है वो खुद को? प्लीज शहरयार, इस वक्त आप बहुत गुस्से में, इस वक्त बात मत ही कीजिएगा। सबिका, मैं कह रहा हूँ उसे बुलाओ अभी यहाँ। यू नीड टू काम डाउन फर्स्ट। क्या हुआ? हादी, हादी प्लीज समझाओ यहां से। ये क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने? ऐसा क्या अलग हो गया जो आप इतने गुस्से में? शट अप। उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा है तुमने? बिल्कुल कबायली, एक सदी पीछे, और तुम उसके साथ फैमिली बनाने का सोच रहे हो? ये आप कह रहे हैं डैड, जो पूरी जिंदगी बराबरी का दर्स देते आए, एजुकेशन, टैलेंट, हर चीज को आपने पहले तरजीह दी है, आज फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं आप? यस, क्योंकि ये मेरी फैमिली के फ्यूचर का सवाल है। And I'm sorry to say that. I don't agree with you. Shut up, हादी। इसका मतलब वो डिस्पेंसरी वाला मामला बिल्कुल ठीक है। उसके कजन ने तुम्हें और खजिस्ता को देखा होगा, इसलिए वो भड़का था। For your kind information, Dad, ये सारा किस्सा आपकी फेवरेट भांजी आयमा ने क्रिएट किया था। हादी, मैं तुम्हें शरियत, प्लीज प्लीज शरियत, प्लीज स्टॉप। इसे कहो दफा हो जाए यहां से, निकल जाओ मेरे घर से, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। गेट आउट। शरियत, हादी, हादी, शरियत, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हाउ कैन यू जस्ट आस्क हिम टू लीव? खुदा का वास्ता, ही इज अ यंग मैन, कुछ तो सोचे। जाए जहां जाता है। हादी मेरी बात सुनो, हादी, हादी, हादी प्लीज, हादी प्लीज, हादी, 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 हादी रुको, हादी लिसन टू मी प्लीज, मेरी बात को सुनो, हादी, हादी, हादी रुको। शरियार, शरियार वो जा रहा है, विल यू प्लीज डू समथिंग, से समथिंग। शरियार, जाए जहां भी जाना है उसने। कैसे कह सकते हैं आप ये? वो मेरा बेटा है और मैं आपको इसको उस घर से निकालने नहीं दे सकती। ये सब कुछ तुम्हारी शह पे हो रहा है। हाँ, हो रहा है मेरी शह पे। हर माँ अपने बच्चों को शह देती है, और आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? अपनी भांजी की वजह से ना? मैंने आयमा को कभी भी अपनी भांजी नहीं, हमेशा बेटी समझा है, और ये बात तुम बहुत पहले से जानती हो। मैं कुछ नहीं जानना चाहती, और ना ही मैं कुछ समझना चाहती हूँ। मेरा बच्चा घर छोड़कर जा रहा है, और मेरे पास मेरे बच्चों के अलावा कुछ नहीं है। और मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मेरी कुल कायनात, बताओ मुझे।
अंकल, I'm so sorry अंकल, मेरी वजह से हादी घर छोड़ के चला गया, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, आप प्लीज उसको वापस बुला लें, मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जा रहा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आने भाई डन 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 जनाब, तेरी तो नाइट शिफ्ट नहीं है ना आज, तू यहां क्या कर रहा है फिर? बस ऐसे दिल चाह रहा था तो आगे सबके जाऊं तेरी चाहत को यार। बस एक काम कर, तू आज मेरी जगह नाइट शिफ्ट कर ले, पता है बहुत दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तुझे पता तो है हॉस्टल में कहाँ नींद पूरी होती है यार। एक बात बता, तेरे साथ कमरा कौन शेयर करता है? अरे खुदा की कसम यार, ये हसरत पूरी होते ना मैं बुढ़ा ही हो जाऊंगा। मेरी बात सुन, बंदा कभी सीरियस भी हो जाता है जब देखो ऊट पटांग जवाब। अच्छा ना यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? ब्रेकअप हुआ क्या तेरा? अच्छा सीरियस, कोई रूम शेयर नहीं कर रहा पर पूछ क्यों रहा है? ऐसे ही यार, कुछ रिसर्च वगैरह करनी थी। घर पे कहाँ होता है सारा सामान, सोच रहा था कि हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊं। इधर देख, हमारे हॉस्टल के पीछे लड़कियों का हॉस्टल है ना, मैं सही समझ रहा हूँ? इंसान बन, तू जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो मुंह में आता है बक देता है। गुस्सा क्यों हो रहा है यार? अच्छा सुन, वो जूनियर्स का एनुअल डिनर है, चलेगा क्या? मूड नहीं है मेरा। क्यों? बोला जी उठाना, आंटी की है। जी हेलो, कहाँ हो तुम? कोई लिहाज ख्याल कोई एहसास है तुम्हें? Do you realize how worried we are? सुबह आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वो खैरियत है सब? हादी हॉस्टल आ गया है रुकने के लिए। दिमाग खराब हो गया इसका। फहद प्लीज लिसन टू मी, फिर मामा रात कैसी गुजरी आपकी? नींद आ गई क्या आपको? क्या बात है हसन, क्या पूछना चाह रहे हो? मैं तो बस आपके बेटे की एब्सेंस की वजह पूछना चाह रहा था। आपने सोसाइटी भर में मशहूर किया हुआ था ना कि हादी जैसी औलाद ना कभी किसी की हुई है ना कभी होगी। एक मिनट में इस पूरे एम्पायर को लात मार के चलाइए।
मेरी समझ में नहीं आता, क्या तुम्हारे दिल में अपने भाई के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं है सर? उसने तो तुम्हारे लिए कभी ऐसे बात नहीं की। एग्जैक्टली नहीं की, आपके सामने नहीं की, ये मचमा लगा के सबके सामने बोलता रहूंगा। Ridiculous. It is. I don't think so. अरे डैड, क्या हुआ? आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी? मेरा मतलब है आयमा के लिए। तुम्हें आयमा कैसी लगती है? ये कैसा सवाल? ये वही सवाल है जो अमूमन एक जवान बेटे से उसका बाप पूछता है, लेकिन हादी की तरह धोखा मत देना, जो कहना है साफ साफ कह दो, समझे? और पियोगे लाला? वैसे लाला, मोर ने मुझे बताया कि तुमको चाचा से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन लाला इसका ये मतलब नहीं कि सबसे मोहब्बत करो और अपने छोटे भाई को भूल जाओ। क्या मतलब? मतलब क्या लाला, देखो मेरा भी दिल करता है कि इस घर में मेरा कोई नन्ना दोस्त हो जो मेरे कंधे पे बैठ के हर जगह भागता फिरे, सहरे करे, उंगली पकड़ के उसको चलाऊं, मुझसे चीजें मांगे। अच्छा, तो फिर तुम्हारी शादी करा देते हैं? वो लाला मेरी शादी को छोड़ो, वो तो मैं कर ही लूंगा, तुम अपनी फिक्र करो। दाजी भी हमेशा गमगीन रहता है कि काश दिलावर चाचा का कोई बेटा होता, तो तुम भी करो ना। अब मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई नाम लेने वाला हो, अब तक तो तुम्हारे 8-10 बच्चे होने चाहिए लाला। अच्छा इसको छोड़ो, तुमसे एक बात करनी। बोलो लाला, हमेशा बात को टाल देते हो। अगर तुम्हारी ख्वाजस्ता से शादी ना हुई तो मेरा मतलब है अगर उसने इनकार कर दिया था। क्या मतलब इनकार कर दिया तो उसकी जान ले लूंगा। उसने कुछ कहा तुमको? किसी ने कुछ नहीं कहा यार, तुम बैठ कर बात करो। कैसी बातें करते हो लाला, तन बदन में आग लगा के मुझे बोल रहे बैठ के बात करो, क्यों बात की तुमने? ये मेरी बात आराम से सुनो, तुम में और खाजस्ता में बहुत फर्क आ चुका है। मैं तुम्हारी किसी बहुत अच्छी जगह शादी करवा दू। गोली मारो शादी को, क्या फर्क आया लाला, बोलो क्या फर्क है? हमें नजर नहीं आता है, वो बहुत दूर निकल गए, डॉक्टर बन गए, तुम वहीं के वहीं खड़े,
ओए लाला, वो क्या चांद पे पहुंच गई है, आगे निकल गई है, और हाँ मैं वही खड़ा हूं जहां वो मुझे छोड़ के गई थी, और यहीं पे मिलूंगा उसको। अच्छी बात खबर है। देखिए खजिस्ता, उस दिन हसन की वजह से जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वो घर में छोटा है, लाडला है, शायद इसलिए। छोटा इसका ये मतलब नहीं है कि बदतमीजी करेगा, फिर भी आपको उसके लिए एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं। जरूरत है क्योंकि मेरा केस आपकी टेबल पे रखना है और हसन मेरा भाई। आपने कोई जवाब नहीं दिया खजिस्ता। देखें अगर आप अपनी फैमिली की वजह से चुप हैं तो फिक्र ना करें, मैं बात कर लूंगा उनसे, कायल कर लूंगा उन्हें। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी ऐसी फैमिली का हिस्सा बनूंगी जहां मेरी कोई इज्जत नहीं है? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? माना हसन मेरा भाई है, और हमारी फैमिली में ना खजिस्ता दूर दूर तक जॉइंट फैमिली का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, मगर सारी सफाई आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपको किसी और की वजह से खोना नहीं चाहता खजिस्ता। आई एम रियली वेरी सीरियस। काश हम किसी एहसास को दिखा सकते, तो मैं आपको दिखाता कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूं।
बात कर रहे हैं ऐसा? काबिल नहीं है आपके, दिखाई देते कुएं में छलांग मत मारे प्लीज। हेलो, हेलो मैडम, तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो सिग्नल तो पूरा यहाँ पे। हेलो हेलो, तुम बोल क्यों नहीं रही? हेलो हेलो, शुक्र है मालिक का, तुम्हारी आवाज सुनने को तो मिली। कैसे हो, घर में सब ठीक है? घर वालों का तो पता, लेकिन मैं ठीक नहीं। क्या हुआ तुम्हें? जिसकी मंगेतर इतनी दूर हो, जिसका दिल कहीं और लगा, वो कैसा हो सकता है? कभी ठीक हो सकता है क्या? ये तुम्हारी डॉक्टरी वाक्टरी खत्म तो हो गई है, वापस आ जाओ आप। तरक्षा ही, मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करती हूँ। लगता है तुम्हारा गुस्सा उतरा नहीं। तुम्हारी याद आ रही है, एक बार आ जाओ। खुदा की कसम मना लूंगा, बस आ जाओ। मैंने कहा ना, मैं मरीज देख रही हूँ, मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगी। मान लो कि मेरी बात से मुत्तफिक हो, बस मुश्किल है, इसलिए डरती। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। मेरी जरा से खुदगर्ज़ी मेरे इलाके की बच्चियों के पैरों के नीचे से ईंटें निकाल कर उनके सामने खड़ी कर देगी। ये दीवार मैं नहीं बनने दूंगी। हाँ जी, बात कर लो, अब बैठा है वो। अच्छा, क्या सोचा तुम?
इतने दिन लगा दिए एक जवाब के पीछे। कैसा जवाब दाजी? बैराम खान की बहन के बारे में पूछ रहे। उसका जवाब मैं उसी दिन दे चुका हूं। मुझे तुम्हारा जवाब ना मंजूर है। बहुत अच्छा फैसला था तुम्हारा। तुमने गुलरेज की बेटी को जो मकाम दिया, अच्छा फैसला। पढ़ दो। लेकिन तुम्हें चाहिए था कि अगले दिन ही घोसला निकाह कर लेते कुंभे के लिए। लेकिन दाजी, बस मैं फैसला कर चुका हूं। परसों जो बैठक होगी, मैं बैराम की बहन का हाथ मांगूंगा। बस कर दो दाजी, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। मर्दों के लड़ाई झगड़े में बहुत हो गया औरतों का ये लेन देन। दाजी ये कोई पेड़ बकरियां नहीं है कि अपनी गर्दन छुड़वाने को बहन बेटी को पेश कर दो। कैसी अनोखी बात करो लाला। हमारे खानदान का रिवाज है, बड़े बुजुर्ग करते आए हमेशा से। अगर बुजुर्गों से कोई गलत लगीर खिंच गई है तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि उसे कोत कोत कर काई बना दो। बंद करो दाजी, ये औरतों के सबर का इम्तिहान लेना बंद कर। ठीक है, ठीक। तुमको बदले का लड़की नहीं चाहिए, ठीक है, मैं समझता। लेकिन हमें तो तुम्हारा औलाद चाहिए ना। मैं नसीर खान से बात करता हूँ, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। मैं वहां पैगाम भिजवा रहा हूँ। दाजी, अगर मेरा शांजे से कोई ताल्लुक नहीं बन सका तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता। मेरे दिल में उसकी जगह, उसकी चाहत आज भी उतनी है जितनी निकाह के वक्त। जो सजा दे रहा हूं वो बहुत है, सौतन की नहीं दे सकता। कमाल है, कमाल है, जी बात नहीं है।
हम नशियों हम नशी छू लेंगे।